गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 6 अक्टूबर के जितने भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहते हैं उसके हम हेडलाइंस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या रहता है, आपको ये पता चल सके सोसाइटी में चल क्या रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कशन। देखिए, आज का जो टॉप हेडलाइंस न्यूज है उसमें सबसे पहला न्यूज है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में, यानी कि न्यूज है स्पोर्ट्स से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दीपिका पल्लिकल एंड हरिधर पल सिंधु, उनके द्वारा क्या है, मिक्स्ड डंबल्स में फाइनल में उनके द्वारा जीत हासिल की गई है। और इनमें जो जीत हासिल की गई है किसके अगेंस्ट में, तो मलेशिया के प्लेयर के अगेंस्ट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर यानी कि हरिंदर पल सिंधु ने जीत हासिल की। अब देखिए, मलेशिया के साइड से जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो आइफा आजम एंड मोहम्मद साइफ कमल यानी कि कमल के द्वारा खेला जा रहा था। इसमें अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो 2-0 यानी कि 11-10 करके स्कोर रहा था। तो एशिया गेम में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ कि स्क्वाड मिक्स्ड डंबल्स टूर्नामेंट में क्या है ऐसा गेम यानी कि जो इंडिया की जो जीत थी वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है तो ये भी हमारे किसके रिगार्डिंग में, गेम्स के रिगार्डिंग में। तो देखिए, अभी जो 2023 का जो एशिया गेम चल रहा है वो चाइना के अंदर चल रहा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा क्या है, आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता गया है। कब, तो 5 अक्टूबर को। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया की तरफ से जो आर्चरी में गेम खेले जा रहे थे यानी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओजस परवीन, ड्योटेल, अभिषेक वर्मा, प्रथा यानी कि प्रथमेश समाधेन जैवकर के द्वारा क्या है, साउथ कोरिया को हरा करके कितना, तो 335 to 330 यानी कि हमारी कंट्री का जो स्कोर था वो 335 और जो साउथ कोरिया का स्कोर था वो 230 था। ये स्कोर के से हमने क्या है, हमारी टीम से में साउथ कोरिया को हराया। तो जिसके वजह से एशिया में जो एशिया गेम है 2023 का उसमें आर्चरी फील्ड में क्या है, तो इंडिया प्लेयर्स के द्वारा क्या है, एक गोल्ड मेडल जीता गया। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये हमारा इंटरनेशनल न्यूज। देखिए, आप इसको इंटरनेशनल न्यूज से भी कनेक्ट करके रख सकते हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी इसको रिलेट करके रख सकते हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और हमारी कंट्री के बीच में क्या है, स्पेस इंडस्ट्रीज में इम्प्रूव करने के लिए दोनों देशों के द्वारा साइन एग्रीमेंट किया गया है। तो इसमें जो बात रखी गई थी, दोनों देश मिलकर के क्या बनाएंगे, सैटेलाइट बनाएंगे, स्मॉल सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन, स्टडी अर्थ और एक्सप्लोरिंग स्पेस के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। दोनों देश के द्वारा पार्टनरशिप पे की जो कॉमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट है तो दोनों देश के द्वारा क्या है, इस पे पार्टनरशिप पे साइन किया गया ताकि जो हमारी कॉमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट है उस पे दोनों देशों के साथ मिलकर के काम किया जा सके, दोनों ही देश क्या कर सके, एक दूसरे के साथ हेल्प करके काम कर सके। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। तो देखिए, जो यूनिसेफ है, अगर हम यूनिसेफ की बात करते हैं तो जो कार्यकारी निर्देशक कैथरीन रसेल ने यूनिसेफ इंडिया के जो नेशनल एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना के साथ मिलकर के एक यूथ हब ऐप लॉन्च किया। अगर हम यूथ हब ऐप की बात करते हैं तो ये हेल्प करेगा जितने भी जो हमारी कंट्री में जो यंग पीपल्स हैं, स्पेसिफिकली गर्ल्स, जो भी आज के टाइम पे जो फेसेस डिफिकल्ट वो कर रही हैं, उनको क्या करेगा, कनेक्टिंग करेगा उनके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के साथ, अगर बात करते हैं फ्यूचर्स में, और गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्राइवेट बिजनेसेस की बात करते हैं या यूथ इंडिविजुअल्स वर यानी कि वेयर आल्सो पार्ट ऑफ दिस यानी कि लंच इवेंट। मतलब क्या है कि इस लंच इवेंट में सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र के व्यापारी और युवा भी इसमें क्या थे, शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है
ये हमारा नेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज। देखिए, तमिलनाडु के संस्कृत के एक शानदार प्रदर्शन में कोंगो परम यानी कि परम प्रिय आयो यानी कि परम प्रिय आयोडी यानी कि बात करते हैं आयो लिट ओइलिट्टा कला कुल जो संगठन है उसमें एक नए विश्व रिकॉर्ड की स्थापना की गई। इसमें अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो अपना नाम है एक इतिहास में लिखा। अक्टूबर 2023 को ये संगठन ने सफलतापूर्वक क्या है 1600 जो ओइलिट्टा जो कलाकार थे उनको एकत्रित किया, जो वो कहाँ पे आपको त्रुचेंदगोड़ा नामांकल जिले जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जो लोक नृत्य का जो 2-4 घंटे तक अपना क्या नॉन स्टॉप जो डांस है ट्रेडिशनल डांस है उसको प्रेजेंट किया था। तो जिसके वजह से क्या है उन्होंने अपना जो नाम है एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिस्टोरिकल में अपना नाम दर्ज कर लिया। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है अगर बात करें तो सेप्टेम्बर मंथ में जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का तो उसमें काफी ज्यादा क्या है ग्रो देखने को मिला इन 13 साल में, यानी कि जितनी जो यानी कि इन 13 साल में सबसे ज्यादा जो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला तो किस मंथ में देखने को मिला है सितंबर मंथ में देखने को मिला। तो इसमें बात करते हैं जिसमें बहुत से न्यू बिजनेसेस स्टार्ट हुए, फिर बात करते हैं जिसमें बहुत से डिमांड्स हुए लॉट्स ऑफ डिमांड, फिर देखते हैं मोर पीपल्स के पास क्या थे जॉब्स थे। तो जिसके वजह से क्या है सितंबर मंथ में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में क्या है हमें जो एक इम्प्रूव यानी कि एक सर्विस सेक्टर में क्या देखने को मिला है एक ग्रेट यानी कि ग्रो देखने को मिला है लॉट ऑफ ग्रो देखने को मिला है। ओवरऑल बात करें तो जो बिजनेसेस फॉल्ट बेटर थे यानी कि बात करते हैं जो हमारे बिजनेसेस थे यानी कि व्यापार का जो माहौल था वो क्या था काफी ज्यादा बेहतर हुआ, जिसके कारण सितंबर मंथ में जो सर्विस सेक्टर में जो ग्रो जो हमें देखने को मिला ग्रो रेट वो काफी ज्यादा थे। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है इसमें अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है रिटेन किया गया है तो 7.1% जो GPF इंटरेस्ट रेट है उसमें। फिर देखिए इसमें बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटेन किया गया इंटरेस्ट रेट किसमें तो जनरल प्रोविडेंट फंड तो इसमें कितना किया 7.1% किया है। तो इसमें जो बात करते हैं जो हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड सेविंग है इसमें जो इंटरेस्ट रेट रखा है कितना रखा है 7.1% रखा है, जो कि हमारा क्या रहेगा जो अक्टूबर से लेके जो दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा तो कितना 7.1% रहेगा। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाइड किया गया था कि जो 7.1% का जो रेट रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा फॉर किसके लिए जितने भी जो अदर प्रोविडेंट फंड है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग जो सर्विंग दे रहे हैं रेलवे एंड आर्म फोर्स में। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये भी आपको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। अब देखिए जो एशिया गेम है जो कि चाइना के अंदर कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो इंडियन जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा है उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और जो किशोर जैना है उनके द्वारा क्या है सिल्वर मेडल जीता गया। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं जो बेस्ट थ्रोन था वो कितना था 88.8 मीटर और वहीं पे जिसके वजह से उन्हें क्या है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं पे किशोर के द्वारा बात करें तो उनके द्वारा जो भाला फेंका गया था वो 87.54 मीटर थ्रो किया गया था तो जिनके वजह से वो जिनसे वो क्या है सिल्वर मेडल जीते। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये हमारा स्टेट न्यूज है स्टेट न्यूज। अब देखिए मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा एक बिग स्टेप उठाया गया है कि वो वुमेन्स को राइट देने के लिए अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट जॉब में वो क्या करेंगे 35% का रिजर्वेशंस देंगे। फिर बात करते हैं एक्सेप्ट किसमें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो ये हेल्प करेगा मोर अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए वोमेन के लिए यानी कि ये हेल्प प्रोवाइड करेगा कि जो वोमेन्स है गवर्नमेंट जॉब में इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाए काम करने के लिए और प्रमोट करेगा इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन। तो उनके रिगार्डिंग में क्या है एक मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक बिग स्टेप उठाया गया है।
आज का जो लास्ट हेडलाइंस न्यूज है ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में, आप इसको डिफेंस और प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में देख सकते हो। देखिए, अगर बात करते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा खुद का अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाया गया है जो कि स्पेशल ड्रोन के लिए क्या करेगा, डील करेगा ग्रुप ऑफ ड्रोन्स। तो इनमें उनके द्वारा ये कहा गया कि जितनी भी जो स्पेशल बुलेट्स है इसी के प्रोटेक्शन के लिए वो अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, एक बैरियर बना लेगा अपने शिप्स और जितने भी जो उसके एसेट्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज है उनको सेव करने के लिए, जो एनिमीज ड्रोन्स के जो बुलेट्स हैं उससे बचाने के लिए। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो हमारे ही कंट्री के द्वारा अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप हेडलाइंस न्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कशन है वो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल साइंस, वो आपकी पूरी तरीके से आप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो पैरेलल बुक चलेगी वो एम लक्ष्मीकांत, और इसके पैरेलल में क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है अब वो हमारी पैरेलल में चलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।